है ये? और भाई थोड़ा देख के चलाओ बे गाड़ी, ये क्या था? हद हो गई भाई, मैं बोला ये सीन हो गया इधर। हाँ तो ये है अपना सुपरमार्केट, और उसके अलावा ये तीन माले की बिल्डिंग हम खरीद पाएंगे क्या? नाम कर भाई, गेम डेवलपर अगर ये देख रहा है तो पहले इसको फिक्स कर ले मामे, उसके बाद सभी चीजें करना। मैं देख रहा हूँ ये सच है क्या, मैंने सुसु मंगवाया है। Hey guys, we are back again with another video on Total Gaming. तो ये वाला जो वीडियो है ना यार, ये बहुत ही ना ऐसे फनी होने वाला है, क्योंकि ना उन्होंने गेम खेला है वो ना कोई सुपरमार्केट के ऊपर है। अब वो पूरा तो मुझे नहीं पता, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। आज जिस गेम को हम लोग खेलने वाले उसे बाहर के देश में बहुत ज्यादा लोग खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस गेम का नाम है सुपरमार्केट सिम्युलेटर, और इस गेम में हमें एक सुपरमार्केट दिया जाएगा जिसे हमें लॉस से प्रॉफिटेबल बनाना है। बट इतना आसान नहीं होने वाला है भाई जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे लोग लॉस करके चले गए। वैसे में हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसे इंडियन हम लोगों को बिजनेस पता है तो ट्राई करते हैं इस सुपरमार्केट। हाँ और ये तो गुजराती भी है तो इनको तो बिजनेस बहुत अच्छे से आता है। थैंक्स। इसको प्रॉफिटेबल बनाना और जाते हैं गेम में। इसी बात पे लाइक कर देना, इस वीडियो पे 5 लाख लाइक हो गए और 1 लाख कमेंट हो गए तो मैं रियल लाइफ में एक सुपरमार्केट स्टोर ओपन कर दूंगा। पक्का कर दूंगा। आओ गेम में जाते हैं। nice. तो चलो भी स्टार्ट करते हैं न्यू गेम और देखते हैं क्या है इस गेम में। ओ भाई ये क्या हो गया? अच्छा आ गया, मैं बोला कुछ तो लफड़ा हो गया गेम में। और ये बेटा रिलीज है तो मतलब अभी प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ है गेम का, तो देखना है हमें कि ये गेम क्रैश वगैरह तो नहीं होता है ना। अच्छा ये कंप्यूटर पे हमें आना है क्या? यहाँ पे कंप्यूटर है, एक स्विच बोर्ड है, एक मीटर बटन से क्या होगा? अच्छा लाइट ऑन हो रहा है, बंद कर देते हैं। भाई सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी मेरे को थोड़ा लो करने दो भाई, बहुत ज़्यादा ये है तो। उसके अलावा ये है कैशियर, आई थिंक हम यहाँ से लोग जो भी खरीदेंगे ना उसको कैश में पैसे लेंगे, और मतलब बिलिंग सेंटर है सिंपल बताया जाए तो। एक टेबलेट है और एक कंप्यूटर है कैश रजिस्टर वाला, एक मोबाइल भी है साथ में। ये मोबाइल नहीं, ये कार्ड स्वाइप करने वाला आता है वही है। हाँ और जहाँ पर सामान हम लोग रखेंगे, बट सामान लाएंगे कहाँ से? आई थिंक यहाँ पे ना एक पीला मार्क आ रहा है, यहीं से लाना होगा। एक बार अपना शॉप देख लेने दो भाई, और शॉप में बाहर की साइड देखे तो कुछ ऐसा खास है भी नहीं। एक कचरे की पेटी है और यहाँ पे कचरा है, एक साइकिल है, यहाँ पे स्टोरेज है। भाई ये स्टोरेज हमारा है क्या? आई थिंक नहीं, आने वाले टाइम में भी हम लोग इसको खरीद पाएंगे। और सुपरमार्केट का हमें नामकरण करना है तो राम, अरे 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 क्या हो रहा है ये? और भाई थोड़ा देख के चलाओ बे गाड़ी। कंट्रोल कंट्रोल, ये क्या था? हद हो गई भाई, मैं बोला ये सीन हो गया इधर। हाँ तो ये है अपना सुपरमार्केट, और उसके अलावा ये तीन माले की बिल्डिंग हम खरीद पाएंगे क्या? नामकरण भाई, गेम डेवलपर अगर ये देख रहा है तो पहले इसको फिक्स कर ले मामे, उसके बाद सभी चीजें करना। क्या बोलूं? मामे बुला रहे हैं डेवलपर को। गाड़ी आके निकाल के ले जा रही है हमको भाई। यहाँ पे एक लोजिंग का बैनर है, इसे हम ओपन भी कर सकते हैं, मतलब जब सामान लाएंगे तब ओपन करेंगे। सुपरमार्केट का नाम हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, मे बी कंप्यूटर में चेक करते हैं भाई। बैंक भी है, अच्छा अगर हमको बेसिक लोन वगैरह लेना है तो लोन भी ले सकते हैं। डेली इंटरेस्ट रहेगा 0.01%, भाई बहुत बहुत ही ज्यादा लो है। और साथ ही में मेरे पास पैसे कितने? $50। ओ ब्रो $50 में कुछ भी नहीं होगा, क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सीरियसली ब्रो ये क्या है? $50 में मैं सुपरमार्केट को प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊंगा? बेक कैसे करते हैं भाई? अच्छा ये होगा, बना सकते हैं यार, आप गुजराती हो यार। मार्केट में प्रोडक्ट और फर्नीचर भी बिक रहा है। प्रोडक्ट में क्या है भाई? डिस्प्ले शेल्फ, यूनिट प्राइस है 12 यूनिट $2 के आएगा, मतलब 2.99, $3 का एक यूनिट आएगा। भाई मैं सही मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ ना, फिर पता लगा मैं गलत मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ। ये है चोकी पिक, ओके चोकी पिक है, ये है स्लाइस ब्रेड, और ये है फ्लोर, आई थिंक ये लोड बोलते हैं ना हम लोग, जो गेहूँ आता है वो गेहूँ का चूरन आता है, लोड जिसे बोलते हैं। ऑयल है, पास्ता है, शुगर पाउडर है। तो देखो रियली लाइफ में हमें क्या चाहिए? सुबह उठते ही हमें चाहिए ब्रेड, आई थिंक हमें ब्रेड खरीदना चाहिए, जो कि 12 पीस हमको मिलेंगे $1 के, ये $1 का तो $12 का आएगा, और टोटल होता है $11.88। आई थिंक हमें एक ये खरीदना चाहिए।
उसके अलावा ऑयल आई थिंक चाहिए, बट सुबह में ऑयल का जरूरत नहीं पड़ता। सुबह में लोग पास्ता भी खाते हैं, आई थिंक हमें पास्ता भी खरीद लेना चाहिए जो कि $1 per 1 unit आएगा। अब इसको बेचेंगे कैसे और उसमें प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। अभी भी मेरे पास $50 है तो अच्छा कार्ट में चीजें जा रही है। मैं बोला दो चीज खरीदा फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। मतलब दो पैर का खाने के लिए शुगर भी चाहिए, सबको चाहिए, चाय वगैरह सुबह में बनाते हैं तो ये चार चीज हम लोग रखने वाले हैं और $39 का हमारा बिल बन रहा है। परचेस कर लेते हैं, सामान आएगा कहाँ पे ये बताओ। अभी मेरे पास सिर्फ $6 ही बचे है, ये $50 में मुश्किल तो जाएगा। एक मिनट मेरे को ना कंप्यूटर सही से चेक करने दो और क्या है। मैनेजमेंट में है प्रोडक्ट लाइसेंस, मतलब अगर हम कोई नई चीज बेचना चाहते हैं जैसे बोतल जो पानी का बोतल आता है उसे बेचना चाहते हैं तो हमें उसका एक परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना हम नहीं बेच पाएंगे। और वो मिलेगा हमको $200 का। भाई ये गेम कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं है क्या? बट पानी का बोतल बेचने के लिए कौन लाइसेंस लेता है, ये भी चीज सोचने वाली है। और बिल से अगर हम बिल्स पे करना चाहते हैं तो मैं तो वैसे बिल्स नहीं पे करूंगा। कौन से बिल है? ग्रोथ। ओ भाई, अगर हमको दुकान सुपरमार्केट बड़ा करना है तो $350 का हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये एक्सपेंड होता है 23 level तक। क्रेजी भाई, हायरिंग कैशियर भी हम लोग हायर कर सकते हैं जो कि हर दिन लेगा $80 और हायरिंग कॉस्ट $100। ओ भाई, ये तो भाई बहुत ज्यादा लेवल पे आएगा ना, उसके बाद कर पाएगा। स्टोरेज है जो कि हम लोग परचेस कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो पास में स्टोरेज देखा था ना वो $1000 का हमें मिलेगा। कस्टमाइजेशन कमिंग सून, आई थिंक जो हम लोग सुपर मार्केट का नाम रखना चाहते हैं वो सब आने वाले टाइम में हमें मिलेगा। मार्केट से जो सामान मिलाया वो कहाँ पे आया है वो देखने दो। मिलाया क्या जो ऑर्डर किया वो यही सामान है ना? हाँ, ये उठाया। इंटरनेशनल डिलीवरी, भाई साहब गेम तो तड़ी पार है। अभी इसको मेरे को इधर ही रखना है ना। हाँ। अच्छा भाई, ये तो ओपन भी हो गया बक्सा। जो मैं देख रहा हूँ ये सच है क्या? मैंने सुसु मंगवाया है। सुसु, ओह माय गॉड, देखो हद हो गई भाई। ये गेम में कुछ भी नाम दे रहे हैं लोग। सुसु, ये बहुत फनी था। चलो ये बक्सा अभी आई थिंक का, अच्छा ये अभी फेंकना है। देखो आ गया, अभी ये वाला बक्सा लेते हैं। ये है आई थिंक फ्लोर, मतलब जो हमने वो मंगवाया था ना, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। हाँ ये लो ना, हम तो डाल ही रहे यहाँ पे। ये लोट हमने जो आटा मंगवाया था, आटा बोलते है ना। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो आ रहा है। एक मिनट इसको भी मैं फेंक देता हूँ, उसके बाद वो देखेंगे। अभी ये क्या है? अच्छा ये पास्ता, आई थिंक जो हमने पास्ता मंगवाया था वो भी आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। भाई मेरे को ना, इसके पहले भी मैंने ऐसा एक गेम खेला है बट उसमें ये वाली सुविधा नहीं थी। मेरे को इस गेम में ये अच्छा लगा कि ऑटोमेटिकली आइटम प्लेस हो रही है। सैंडविच है, सैंडविच तो भाई सुबह में सबको चाहिए। सैंडविच मतलब वो ब्रेड आता है ना, वो ब्रेड है। तो ये रख दिया यहाँ पे ब्रेड। और अभी मेरे पास चारों चीजें मैंने रख दी है। आई थिंक मेरे को स्टोर ओपन करना चाहिए। स्टोर ओपन से पहले ये क्या हो रहा है? एक मिनट मेरे को चेक करने दो भाई, फिर हमको पता लगा बाद में कि लफड़ा हो गया। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा यहाँ से क्लिक होगा। एवरेज कॉस्ट $1.15 और मार्केट प्राइस है $4.83। ये कैसे काम करता है? मे बी एक यूनिट जो मतलब हम एक डब्बा बेचेंगे वो हमको आया है, मतलब जो हमें घर पे पड़ा है वो $1.15 का पड़ा है और एवरेज कॉस्ट मतलब वही रहेगा। बट हम लोग इसको ना मार्केट प्राइस $4.83 तक में बेच सकते हैं जो कि मार्केट में बिकेगा। तो हाँ, हमको ना ये पाँच में बेचना चाहिए, जो इतना बोल रहे इसमें नहीं बेचना चाहिए। $5 का एक पीस मिलेगा, आई थिंक 6 का बेचते हैं, 6 में मिलेगा। गाइस, गुजराती लोग को ना बहुत प्रॉफिट चाहिए। वहां पे लिखा है कि मार्केट प्राइस इतना, बट फिर भी इनको है कि चलो 6 में बेचते हैं, मतलब ज्यादा में। कितने क्यूट है यार ये, प्लस दिमाग। सुसु और ये शुगर पाउडर है, सच बताऊ तो। अच्छा अब हर जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा ये फ्लोर, मुझे लग रहा है हर जगह पैसा बढ़ाने वाले हैं। मुझे लग रहा है क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब मजाक है क्या? मार्केट प्राइस है 3.71, से ज्यादा का प्रॉफिट कर रहा है ये। अच्छा सिस्टम तो अच्छा है, तो ये तो आराम से प्रॉफिटेबल बन सकता है। मैं 5 का बेचूंगा और मेरा जो प्रॉफिट इसमें होएगा वो $4 का आराम से, मतलब पर यूनिट हमें $4.21 का प्रॉफिट हो रहा है अभी। और इसमें अगर हम देखें तो $4.85 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे तो हम लोग का निकल पड़ेगा भाई। अभी देखना है तो यहाँ पे ये ब्रेड कितने के हम लोग बेच सकते हैं। एवरेज प्राइस है इसका $3.96 और हम लोग खरीदा है 0.99 में एक पीस, तो हमें इसको बेचना चाहिए 5 में और इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा 4। यही नहीं, अभी और सुनिए,
डॉलर का। देख रहे हो गाइस, पास्ता के साथ भी वही होगा, पास्ता भी 3 पॉइंट, तो हम लोग इसको 6 में बेचेंगे। पास्ता सबसे महंगे, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, $5 का पर यूनिट। तो अभी के लिए हम लोगों ने सारी चीज का प्राइसिंग कर दिया है, बस अभी हमें स्टोर ओपन करना है। क्लोज है ना, इसको करता है ओपन और कस्टमर आना। गाइस सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं इस वीडियो का एक पार्ट 2 बनाऊंगी। पार्ट 1 में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो पे 500 अगर आप लोग 500 लाइक से टारगेट कंप्लीट कर देते तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी एंड मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लेकिन अगर 500 लाइक्स नहीं हो पाते हैं तो फिर इसके बाद वीडियो नहीं आएगा, मतलब इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो पार्ट 2 आए तो 500 लाइक जरूर करना। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को जानना है कि इनका जो ये सुपरमार्केट है यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फिर क्या हुआ, तो फिर आप लोग 500 लाइक जरूर करना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।